Assalamu alaikum, students. Again, we are going to start with the break-even level of output today. Started with the definition again, break-even level of output, break-even point. Break-even point. Break-even point is that level of output, that level in scale of production, scale of operation, at which total output equals to total cost, total revenue. Sorry, total revenue equal to total cost, neither a profit nor a loss. There is no net loss or gain. So the break even is that point where the business and the profit and the revenue exactly equal to the total cost. Jitna paisa business अर्न कर रहा उतना ही बिजनेस जो है वो खर्च कर रहा उतनी ही उसकी कॉस्ट है. टुडे वी कंसर्न विद द मेथड और सेकंड मेथड, दैट इज इक्वेशन मेथड. ग्राफिकल मेथड और इक्वेशन मेथड को एक साथ लेके चलेंगे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी फॉर टुडे इज द कॉन्ट्रीब्यूशन. आज जो सबसे जरूरी बात को समझना है वो कॉन्ट्रीब्यूशन को समझना है. वट इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन? कॉन्ट्रीब्यूशन, हर यूनिट सेल करने पे आपको कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करता है. हर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, हर यूनिट ऑफ आइटम आपको कुछ प्रॉफिट देगा. दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रीब्यूशन. इसको डिफाइन किया जाता है, द कॉन्ट्रीब्यूशन इज द प्रॉफिट. कॉन्ट्रीब्यूशन इज द प्रॉफिट मेड फ्रॉम ईच यूनिट प्रोड्यूस, नहीं सोल्ड आउट. जो आइटम सेल होगी प्रोड्यूस करने से नहीं, सेल होने से जो हर आइटम कॉन्ट्रीब्यूट करेगा आपके बिजनेस को. कॉन्ट्रीब्यूशन इज द प्रॉफिट मेड फ्रॉम ईच यूनिट सोल्ड अवेलेबल टू पे ओवरहेड एक्सपेंसेस and when overheads are covered, contribution becomes the profit. इसको एक फॉर्मूले से समझना पड़ेगा, ब्रेक इवन के फॉर्मूले से आपको इसको समझना पड़ेगा. कॉन्ट्रीब्यूशन क्या चीज है? इक्वेशन मेथड, द हेडिंग इज द इक्वेशन मेथड. वेयर वी नीड टू राइट टू स्टेप्स इन ऑर्डर टू सॉल्व, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट. वेयर इज द स्टेप वन? स्टेप वन वे वी कैलकुलेट द कॉन्ट्रीब्यूशन on each item produced or sold out by the business. First of all, you need to take the selling price of a particular product, jis pe aap product ko sell out karte hain, and the variable cost is equal to contribution. As you know, the definition variable cost do vary with the change in level of production. It means अभी हमने सिर्फ raw material cost of raw material को deal किया and the cost of direct labor को, overheads को भी हमने deal नहीं किया. एक example दी जाती है कि अगर आपने एक cupcake बनाया जिसको आपने sell out किया है, for example आपने उसको $8 का sell out किया और उसकी variable cost है $3 जो कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, जिसको आप जानते हैं द कॉस्ट ऑफ लेबर एंड द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल. तो हर यूनिट सेल आउट होने पे जो आपको प्रॉफिट मिलेगा दैट इज इक्वल टू $5. लेकिन अभी ओवरहेड्स आर रिमेनिंग,
ओवरहेड्स आर नॉट पेड येट. ओवरहेड्स को पे करने के लिए हमें टोटल देखना पड़ेगा कि इस बिजनेस की टोटल आउटपुट कितनी है. स्टेप नंबर टू की तरफ जाना पड़ेगा. स्टेप नंबर टू, फॉर कैलकुलेटिंग द ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट को ले लें इस बिजनेस की. आप जान सकते हैं फिक्स कॉस्ट जो कि चेंज नहीं होती, दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, लाइक द सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट, लीजिंग चार्जेस, सैलरीज ऑफ द परमानेंट मैनेजर. फिक्स कॉस्ट को आपको लेना होगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, दैट इज आउटपुट. सपोज अगर हम लेते हैं इस $5,000 ले लेते हैं फिक्स कॉस्ट, इस बिजनेस की जो ओवरहेड कॉस्ट है वो $5,000 है. इसको अगर आप 5 पे यानी कॉन्ट्रीब्यूशन पे डिवाइड कर देते हैं, 1000 यूनिट्स ब्रेक इवन पॉइंट है इस एग्जांपल का. 1000 यूनिट्स ऑफ आइटम, 1000 यूनिट्स ऑफ आइटम एटलीस्ट इस बिजनेस को प्रोड्यूस करना है इन ऑर्डर टू कवर द फिक्स कॉस्ट विच इज 5000, इन ऑर्डर टू कवर द ओवरहेड्स. जैसे ही आपके ओवरहेड्स कवर हो जाएंगे, आपका ब्रेक इवन पॉइंट ऑल्दो 1000 यूनिट्स पे आ जाएगा. जैसे ही आप 1000 यूनिट से मूव फॉरवर्ड करेंगे, आपका आपका प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. कंट्रीब्यूशन जो है वो एक्सपेंसेस से प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ चेंज हो जाएगी अप टू योर टोटल प्रोडक्शन लेवल. एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसका इक्वेशन मेथड सॉल्व करते हैं, उसका टेबल एंड द ग्राफ. So if you want to calculate the break-even level of output, 4 pieces of information you required. The first one, you should have information example 1. You should have information about your fixed cost. In the above example, we take the fixed cost as $5,000. Variable cost, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू $3. आप देख रहे हैं कि ओवरहेड्स को टोटल लिया जाता है, जबकि वेरिएबल क्योंकि एक यूनिट है, क्योंकि ये वेरी करती है, यूनिट बनेगा तो आएगी, यूनिट नहीं बनेगा तो नहीं आएगी, इसलिए हम इसको पर यूनिट लेते हैं, इसको टोटल नहीं लिया जाता. इसको टोटल कैलकुलेट किया जाता है ब्रेक इवन को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन इसको कंसिडर किया जाता है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कंसिडर की जाती है. नाउ द आउटपुट, फॉर एग्जाम्पल वी एज्यूम दैट द बिजनेस इज प्रोड्यूसिंग 2000 units of output in a given time period. In a given time period jo hai wo ek saal ka ya 1 month ka, often it is considered as 1 year. 5000 fixed cost, variable cost $3 and output 2000 units produce karte hain. Now the next step, first of all we take the example. The next step for before calculating the contribution, before calculating the break even through the equation method, first of all, we draw a table. Step number two, a table is required if you want to draw the break-even graph, graphical approach more accurately. And then a table is required. Table is needed. Why we calculate the table? Why we draw the table? Just to exactly calculate the total revenue and the total cost. We suppose two situations. Minimum, like we are, what are the units that we are producing at minimum point, and the maximum. The maximum output would be given in, should be given in exam. Minimum output ko hum suppose karenge, assume kar lenge, aur maximum output jo hai, wo exam mein aapke samne given hogi. Just suppose that we are not producing any output right now. मिनिमम आउटपुट हमने लिया कि अभी हमारे पास कोई आउटपुट, वी डू नॉट हैव एनी ऑर्डर, जीरो पे बैठे हैं हम. मैक्सिमम आउटपुट एग्जाम से हमें उठाना होगी 2000 यूनिट, इट इज द टोटल कैपेसिटी जो कि आप प्रोड्यूस कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू थिंग्स वी नीड टू कैलकुलेट, द टोटल कॉस्ट
when we are not producing anything, the total cost, and when we are producing the maximum at the maximum output, the total cost. First of all, when we are not producing at any unit of, when we are not producing any output, any unit of item, then the total cost is equal to fixed cost plus variable cost. ये सिचुएशन है जब हम कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर रहे. टोटल कॉस्ट आप देख रहे हैं, फिक्स कॉस्ट फिक्स ही रहेगी 5000 यूनिट. इट डज नॉट चेंज विद द चेंज. आप जीरो प्रोड्यूस करें, आप 2000 प्रोड्यूस करें, आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो 5000 है. व्हाइल द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको लेना पड़ेगी. अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 3. एंड हाउ मेनी यूनिट्स आर प्रोड्यूसिंग राइट नाउ? We are not producing anything, zero. It means the total cost at the point of zero is, we do not have the variable cost at this point. We have only fixed cost. So we write 5000 units. When we are not producing, we have to pay the fixed cost. While we are not, there is no need to pay the variable cost. Now come to the maximum output, 2000 units of output. Again, the same formula, total cost is equal to fixed cost plus variable cost. Again, fixed cost remains constant, 5000, while variable cost, the per unit variable cost is $3 multiplied by how many units are producing? We are producing at the maximum output, 2000 units of items we are producing. It means that 5000 fixed cost plus 6000 variable cost, when we are producing at the maximum output, the total cost would be 11000. Fixed cost 5000, variable cost 3 into 2000 units of output, 6000 plus 5000, 11000. Now the next step, after calculating the total cost, the second thing we need to calculate for drawing the break-even graph is sales revenue, total revenue or sales revenue, sales or sales turnover. Sales revenue. The formula for sales revenue, SR, is equal to selling price. Asani ke liye main pura likh deta hu. Selling price multiply by output, quantity of units produced. For example, selling price, we are selling each unit as selling price. हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगी. Just suppose हम करते हैं इस example में कि जो selling price है वो एक unit की $8 है, $8. So selling price at zero point, when we are not producing any output of product, the selling price is 8 multiplied by, we are not producing anything at the point of zero. So 8 multiplied by 0, it means there is no revenue when we are not producing anything. Zero. So sales revenue or the total revenue is considered to be the zero. But while we are producing or selling 2000 units of item, again, selling price $8. Multiply by 2000 units of item we are producing. It means 8 multiplied by 2000, 16,000 units of 16,000 is the total revenue at the maximum level of output. Asaan sa ek formula bataya jata hai. We have two ways to calculate the profitability. One is there, the profit is the difference between, as you know, the profit is the difference between sales and the cost. Sales 16,000, cost would be 11,000. So jo inka difference hai, 5,000 would be the profit. Total units of items 2,000. Now we apply the contribution equation method to calculate the break-even level of output. The selling price 8, the variable cost would be 3. The contribution on each unit. Har item sell hone pe aapko $5 ka profitability milega. And the break-even point, step number two. And the step number two, break-even point, fixed cost divided by output.
is equal to 5000 divided by 5. At least from the 2000 unit, the business has to produce at least 1000 units if the business want to cover the overheads. After 1000 units, iska business ka profitability start hogi. Ek graph ab draw karte hain, us graph se kafi baatein jo hain wo clear ho jayengi. ये टेबल हमें चाहिए होगा, ये टेबल हमने रेस नहीं करना. द टेबल इज नॉट द रिक्वायर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ द एग्जाम, बट वी हैव टू ड्रॉ द टेबल जस्ट टू ईज विद ड्रॉइंग द ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट. द ग्राफिकल मेथड, ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें टेबल की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज टेबल इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जाम. वी डू नॉट हैव एनी मार्क्स फॉर टेबल. So the break even, the graphical approach, we need to draw a graph. In x-axis, we have to write units of output. As exam considered the units of outputs, we are producing 2000 units of output. We have the maximum capacity of producing 2000. Find out the maximum value in table. When we write the value for sales and cost, दो तरह की values आएंगी इस side पे y पे. ये values क्या होंगी, ये sales की value यानी revenue या cost की value होंगी. Find out the maximum value in this table. The maximum value is 16,000. It means आपको इसमें जो units लेने हैं at least 16,000 तक आपका graph होना चाहिए. मैंने इसको 20,000 तक draw किया. 5, 10,000, 15,000 and 20,000. Now, the time to draw two lines, the time to calculate, point out the break-even level of output. First of all, we need to draw the line for total cost that is started from 5,000. And when we are not producing, agar aapne is graph ko easily samajhna hai, to aapne is table mein jo first column aapko nazar aa raha hai, ye jo first column hai, ye aapka zero origin point hai. और जो आपको सेकेंड कॉलम नजर आ रहा है इसको आपने मैक्सिमम आउटपुट पे, इट मींस कि यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी उनको पॉइंट आउट किया जाएगा एट द पॉइंट एट द ओरिजिन, और इधर जो सेकेंड कॉलम में वैल्यूज होंगी उनको 2000 में ड्रॉ किया जाएगा. मोस्ट ऑफ द टाइम जब स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है जो इसमें मिस्टेक करते हैं, वो एग्जाम में ज्यादातर स्टूडेंट्स जब मैक्सिमम वैल्यू को आउटपुट करते हैं तो वो 2000 से आगे या पीछे पॉइंट आउट करते हैं, जिसकी वजह से उनका ब्रेक इवन पॉइंट सही नहीं आता. सो लेट स्टार्टेड विद द फिक्स कॉस्ट. टोटल कॉस्ट स्टार्टेड फ्रॉम 5000. एक पॉइंट मैंने लगाया 5000 पे, एंड द सेकंड पॉइंट दैट गोस टू व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग एट 2000 यूनिट, ये चला गया है 11000 पे. अब हमें यहां से 11000 फाइंड आउट करना है एक अप्रोक्सीमेटली. ये ज्यादा बेहतर तो ये कि इसको ग्राफ पे ड्रॉ किया जाए, बट वी हैव अ बोर्ड, ग्राफ पे हमें ड्रॉ करना भी पॉसिबल नहीं. कोशिश की जाएगी कि बोर्ड पे इसको इस तरीके से जो कि आप लोगों को समझ आ जाए. स्टार्टेड फ्रॉम 5000 टू 11000, दिस इज कॉल्ड द टीसी, टोटल कॉस्ट. एज यू नो द टोटल कॉस्ट इंक्लूड द कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट. व्हेन वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, सेल्स रेवेन्यू विल बी जीरो, स्टार्टेड फ्रॉम जीरो. And when we are producing at maximum output 2000, तो sales revenue आप देख रहे हैं कि 16,000 पे आपको एक line जो है वो draw करना पड़ेगी. अब आपको दो points को जोड़ना है, आपको 0 से 16,000 पे जाना है. Total cost भी आप इधर से ले ले, आपको 5 से 11 पे जाना है, 5 to 11 and 0 to 16. अगर आप इसको draw करेंगे, already the break-even point through equation method is calculated. 1000 यूनिट्स आपका ब्रेक इवन इक्वेशन में आ चुका है. ज्यादातर एग्जाम में इक्वेशन आती है या ग्राफ आए, आपके पास ये अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं कि आप अल्टरनेटिव सेकंड मेथड यूज करके ब्रेक इवन को कैलकुलेट कर सकते हैं. ग्राफ में भी, ग्राफ पेपर के ऊपर आपका ये आंसर जो इक्वेशन में आया 1000, आपका ग्राफ में भी एग्जैक्टली यही आना चाहिए, अदरवाइज आपका जो ब्रेक इवन है दोनों आंसर में टैली नहीं होगा. दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, 0 to 16,000, and here is the value of sales revenue.
आप देख रहे हैं सेल्स रेवेन्यू 1000 यूनिट्स पे आप देख रहे हैं कि ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट है। नाउ कुछ इसकी रिक्वायरमेंट है फॉर्मेटिंग के हवाले से, वी हैव टू राइट द लॉस ओवर हियर एंड द एरिया ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। ब्रेक इवन पॉइंट इज कैलकुलेटेड विच इज 1000 राइट आफ्टर 1000 1000 तक जितनी भी कॉन्ट्रीब्यूशन आपके सामने लिखी हुई है 5000 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 1000 यूनिट्स के साथ, तो आपको पता है कि 5000 ओवरहेड आप पे कर चुके हैं। इट मींस कि अगर आपके पास 1000 का ऑर्डर नहीं है, इट मींस कि आपके ओवरहेड्स भी कवर नहीं होंगे। इफ यू वांट टू कवर योर फिक्स्ड कॉस्ट एटलीस्ट द बिजनेस शुड प्रोड्यूस रीच टू 1000 यूनिट ऑफ आउटपुट। जैसे ही 1000 यूनिट ऑफ आउटपुट आएगा आपका ब्रेक इवन आ जाएगा एंड द ब्रेक इवन इज दैट पॉइंट वेयर the business covers the overhead and there is no profit started. Profit kab start hoga? Whenever the business exceeded the break-even point. Now the next definition, we have to write a definition. Table ko raise karte ek choti si definition ki taraf chalte hain. Ye definition aapki help karegi break-even ke purpose ko samajhne mein and for calculating the profitability. The definition named as safety margin. What is the safety margin? And when the safety margin has started up, safety margin is the amount of units, is the amount of sales exceed from the break even point. It's very easy. जितने यूनिट्स भी आप ब्रेक इवन के बाद प्रोड्यूस करेंगे वो आपका सेफ एरिया होगा, सेफ्टी मार्जिन। फॉर एग्जाम्पल वी टेक एन एग्जाम्पल, द बिजनेस हैज मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम देर इज अ डिफरेंस बिटवीन, नाउ अब हम दो टर्म्स की तरफ चलते हैं, मैक्सिमम आउटपुट एंड द करंट, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम आउटपुट एंड द करंट आउटपुट। मैक्सिमम आउटपुट is given in exam 2000 units hamari maximum output hai, but it is not necessary that we get the order every month of maximum output ko order hum har mahine get kare. So there is a difference between maximum and the current output, and the current output, for example currently aapke paas order hai, currently aap produce kar rahe hain, for example we are producing at 1600 units. So how we calculate the safety area, safety margin? The safety margin, safe area, is started right from break even point. As you know, this is the amount safety margin that right after the break even point. Ye start ho chuka hai 1000 se, isko main aise highlight kar raha hu, aap dekh rahe hain, aur mujhe chale jana hai is mahine mein 16000 units. It means ki isko easily agar aap calculate karein safety margin ko, the formula for safety margin is safety margin is equal to current output, currently aap jitna produce kar rahe hain, minus break even level of production, break even point. Currently ek business 16,600 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, ब्रेक इवन इसका 1000 यूनिट है, इसका मतलब है कि 600 इज द आंसर, 600 इज द सेफ्टी मार्जिन करेंटली अकॉर्डिंग टू द ब्रेक इवन एनालिसिस। ये बिजनेस 600 यूनिट्स पे प्रॉफिट अर्न कर रहा है, 600 यूनिट वुड बी द सेफ्टी मार्जिन। व्हाट इज द व्हाट विल बी द प्रॉफिट व्हाइल प्रोड्यूसिंग एट दिस करंट लेवल ऑफ आउटपुट? इसके दो तरीके, जैसे टेबल में हमने कैलकुलेट किया था, द डिफरेंस बिटवीन सेल्स 16,000 एंड कॉस्ट 11,000, द डिफरेंस बिटवीन 16 एंड 11 5,000। बट देयर इज अनदर मेथड, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट यूजिंग दिस मेथड, एंड आई रिकमेंड दैट यू शुड यूज दैट मेथड रादर देन यूजिंग द प्रीवियस मेथड, द कॉन्ट्रीब्यूशन मेथड. The contribution method is very, very easy.
600 unit is the safety margin. 600 units are giving the profitability to you. It means 600 units multiply by. इसके लिए आपको बोर्ड पे देखना पड़ेगा कि 600 यूनिट्स जो हैं उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे. इस लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में ये बताया गया था दैट ईच यूनिट ऑफ आउटपुट इज गिविंग द कंट्रीब्यूशन. आपने इस चीज को एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की जो स्टार्ट टर्मिनोलॉजी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जैसे मैंने आपको बताया था आज की जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म होगी वो कॉन्ट्रीब्यूशन होगी. कॉन्ट्रीब्यूशन को जिस बच्चे ने समझ लिया कॉन्ट्रीब्यूशन उसने ब्रेक इवन को समझ आ जाएगी उसको सेफ्टी मार्जिन की उसको प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने की उसको सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट हर चीज बेस करती है कंट्रीब्यूशन पे. आप देख रहे हैं कि 600 यूनिट ऑफ आउटपुट इसका इसका सेफ्टी मार्जिन है इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ कंट्रीब्यूशन से. व्हाई वी आर नॉट टेकिंग 1600 टोटल बिकॉज 1000 यूनिट्स आर यूज्ड टू पे ऑफ द ओवरहेड्स. आप ब्रेक इवन को अब समझ चुके हैं ब्रेक इवन को पे करने के लिए ओवरहेड को पे करने के लिए हमारे 1000 यूनिट्स की जो कंट्रीब्यूशन है वो पे हो चुकी है पे ऑफ हो चुकी है. 600 यूनिट्स आर ओनली कंट्रीब्यूटिंग एज अ प्रॉफिटेबिलिटी 600 मल्टीप्लाई बाय 5 इस बिजनेस की जो करंट प्रॉफिटेबिलिटी है वो 3000 है. इसी को इसी एग्जांपल को मॉडिफाई अगर आप करें तो आप देख सकते हैं नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग एट मैक्सिमम आउटपुट. ऐसा एक मंथ आया हमारे पास जिसमें हम मैक्सिमम आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो ये बहुत ही आसान है 1000 आपका ब्रेक इवन टू द मैक्सिमम आउटपुट आप 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं. अगर आप इसको कंट्रीब्यूशन के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास टोटल प्रॉफिटेबिलिटी आपकी निकल आएगी. आपने जो टेबल में कैलकुलेट की थी वो बिल्कुल यही वाली फिगर आई थी बिकॉज इट द टेबल हैज अ टोटल वैल्यू टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट. कॉन्ट्रीब्यूशन का जो मेथड मैंने आपको यहाँ पे सेफ्टी मार्जिन वाला सिखाया ये ज्यादा बेहतर है बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी कि बिजनेस का जो मैक्सिमम आउटपुट है वो करंट आउटपुट के बराबर हो. करंट आउटपुट फ्लक्चुएट करता है मैक्सिमम आउटपुट विद इन वन ईयर कॉन्स्टेंट रहेगा. एक साल तक आप अपने मैक्सिमम आउटपुट को चेंज नहीं करते. There are certain benefits and the limitations. The last topic for today is the benefits of break-even. The benefits are very easy. The managers are used to calculate, it helps to calculate the overall profitability. Calculate profit or loss made by a business. Ye आपको प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताएगा. ये आपको इट हेल्प्स टू कैलकुलेट इट हेल्प्स टू शो द सेफ्टी मार्जिन्स व्हिच इज द एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी. इंपैक्ट ओवर प्रॉफिटेबिलिटी can be calculated impact over the profitability can be calculated by redrawing the graph. That is very important. Graph ko redraw karne ki zarurat hame kab aati hai. Break even jaldi aana chahiye. Break even अर्ली आना चाहिए या ब्रेक इवन लेवल ऑफ प्रोडक्शन के बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे आना चाहिए. जितनी जल्दी आप अपने ब्रेक इवन को कवर अप करेंगे उतनी जल्दी आपकी ओवरहेड कॉस्ट. सो इट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस टू अर्न टू अचीव द ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट एज अर्ली एज पॉसिबल. सो एवरी बिजनेस हैज द ऑब्जेक्टिव टू अचीव ब्रेक इवन पॉइंट विद लोएस्ट आउटपुट. अगर आप अपने ब्रेक इवन को जल्दी अचीव करना चाहते हैं तो आपके पास दो स्टेप्स होते हैं. व्हाट आर द स्टेप्स वी नीड टू टेक टू अचीव द ब्रेक इवन अर्ली. लोएस्ट यूनिट पे आप कैसे इसको अर्न कर सकते हैं इसके लिए वी सजेस्टेड टू मेथड्स आपको. जैसे कि ये पॉइंट है इंपैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड. रीड्रॉ करने में आपको दो स्टेप्स करना पड़ेंगे. स्टेप नंबर वन में ये किया जाता है कि इंक्रीज द सेलिंग प्राइस. जब आप अपनी सेलिंग प्राइस इंक्रीज करेंगे
तो ऑब्वियसली आपका सेल्स रेवेन्यू का ग्राफ अप जाएगा और आपका ब्रेक इवन रिड्यूस होगा. द सेकेंड स्टेप इज रिड्यूसिंग टोटल कॉस्ट. कॉस्ट को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए अभी रिसेंटली आपने कुछ टॉपिक पढ़ा, वैसे तो बहुत सारे इसके इंडिकेशंस हैं, बट रिसेंटली यू लर्न अबाउट द लीन प्रोडक्शन मेथड विच आर यूज टू कट डाउन द वेस्टेजेस विच आर यूज टू कट डाउन द कॉस्ट, रिड्यूसिंग द कॉस्ट इन विद इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. तो आपका रीड्रॉ करें, आपकी ब्रेक इवन जो है वो अर्ली अचीव हो सकता है. देर आर सर्टेन लिमिटेशंस. टाइम हो गया. ओके. So let's wind up with the limitations. Limitations of the break-even level of output. Straight line, the break-even diagram would be drawn in the form of straight line. The break-even force to sell all of the items within the production department and fixed cost would be constant. At certain level of output, at certain time period. ब्रेक इवन में एक जो एजम्पशंस हैं स्ट्रेट लाइंस की, इसके बारे में कहा जाता है कि ब्रेक इवन में स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ तो की जाती हैं बट ये ड्रामेटिक हैं. दीज आर नॉट पॉसिबल इन रियलिस्टिकली रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्रेक इवन में वेरिएबल कॉस्ट की लाइन जो है वो फ्लक्चुएट कर सकती है. फिक्स कॉस्ट को हम ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रेट, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो ये एक ड्रामेटिक है. स्ट्रेट लाइन्स की फॉर्म में हम इसको, ये ड्रामेटिक हो सकता है कि रियल लाइफ में पॉसिबल ना हो. ब्रेक इवन फोर्स करता है आपके कि आपके सारे आइटम्स सेल हो, नहीं तो आपका वो जो एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू कैलकुलेटिंग द ब्रेक इवन आई है वो शायद आपको अचीव ना हो. फिक्स कॉस्ट एक खास हद तक स्ट्रेट रहती है. फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज वेन एवर द बिजनेस डू नॉट हैव अ प्लान टू इंक्रीज द स्केल ऑफ ऑपरेशन. जैसे ही आप अपने स्केल ऑफ ऑपरेशन को इंक्रीज करेंगे आपकी फिक्स कॉस्ट चेंज होगी. एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट विद इन वन ईयर. जैसे ही नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा आपकी फिक्स कॉस्ट पे जरूर इम्पैक्ट आएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रेक इवन एनालिसिस, द इक्वेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, द कंट्रीब्यूशन, सेफ्टी मार्जिन्स के बारे में आपने पढ़ा. राइट आफ्टर 5 मिनट्स आप क्वेश्चंस आंसर सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं, एंड इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग आप क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं.